झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। पिछले दो दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों शिक्षा प्रेरकों ने शुक्रवार को जंतर मंतर से संसद मार्ग तक संसद भवन की ओर कूच किया, नारेबाजी करते हुए मार्च किया, पैदल मार्च किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले 3 साल से रुका हुआ अपना वेतन मान पाने के लिए देश भर से आए हुए हजारों शिक्षा प्रेरक पिछले 2 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने हमारी खबर में देखा था, हमने वहाँ मौके पर पहुंच के जंतर मंतर पर शिक्षा प्रेरकों से बात की थी। उन्होंने अपनी पीड़ाएं बताई थी, अपना दुख बताया था कि सिर्फ उनको 2000 रुपये मिलते हैं महीना, जो कि उन्हें पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं एक अध्यापक शिक्षक का कार्य जो करते हैं उन लोगों को सिर्फ 2000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, वो भी पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। यह पैसा उनको केंद्र सरकार द्वारा यानी कि मोदी सरकार द्वारा दिया जाना है, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती है। उनके पास जैसे पैसा आता है वो उनको पैसा दे देते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। जंतर मंतर पर क्यों पहुंचे हैं शिक्षा प्रेरक, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को जिस दिन शिक्षा दिवस था उन लोगों ने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। बालिंगटन चौराहे पर पुलिस ने उनको रोका, उन पर जमकर लाठियां बांधी और बुरी तरह से उनको पीटा। कई महिलाओं समेत यानी कि महिला शिक्षा प्रेरकों समेत बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए जो शिक्षा प्रेरक थे। उसी से नाराज होकर वो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। आज दिन भर बारिश होती रही, आप तस्वीरों में देखेंगे, बारिश के बावजूद हजारों शिक्षा प्रेरक जंतर मंतर से नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ कूच किया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत सारी नारेबाजी की। आप तस्वीरों में सब चीजों को देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया है और उसमें कहा कि उनको जल्द से जल्द उनका पैसा जो रुका हुआ है वो दिया जाए और उनको स्थायी किया जाए और उनके साथ जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है उसमें कार्रवाई की जाए। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जंतर मंतर पर भी आकर ये लोग चीख चिल्लाकर अपनी आवाज़ को खूब एहसास कराकर चले गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर फिलहाल अभी कोई जू रेंगती हुई नजर नहीं आई है। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ कि 2 दिनों तक हजारों ये लोग की तादाद में ये लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे आप बड़ा मीडिया समझते हैं उसने इनकी 1 दिन भी 1 मिनट की कोई खबर नहीं दिखाई है। ये आलम हो गया है आज के मीडिया का, वो सिर्फ अपना भोंकूगिरी में लगा है और सुबह शाम बैठ कर हिंदू मुस्लिम की बातें करता है। आप तस्वीरों में देखिए उन लोगों ने किस तरीके से भीगते हुए बारिश के दौरान प्रोटेस्ट किया। सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कोई भी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो बेल बना हुआ है, घंटी जो बनी हुई है, उसको दबा सकते हैं। हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।